आम चुनाव बेशक खत्म हो गए हों, लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार पर खतरे के बादल मंडरा ही रहे थे कि दूसरी तरफ महाराष्ट्र से भी कांग्रेस को झटका लगा है। यहां कांग्रेस विधायक राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कांग्रेस का पंजा छोड़ दिया है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ना तय है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर जहां 300 से ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब रही, तो वहीं कांग्रेस 52 सीटें ही अपने कब्जे में कर पाई। इस करारी शिकस्त के बाद से ही कांग्रेस उन राज्यों के लिए संघर्ष कर रही है जहां उसकी सरकार है, और साथ ही जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनके लिए रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन इस बीच उनकी रणनीति को झटका देते हुए महाराष्ट्र से कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है, जहां पार्टी विधायक राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार से पहले वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। आपको बता दें कि पाटिल राज्य में कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं पाटिल के साथ पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि मुझे हाई कमान पर संदेह नहीं है, उन्होंने मुझे विपक्ष का नेता बनाकर अच्छा मौका दिया था, मैंने अच्छा काम करने की कोशिश की, लेकिन हालात ने मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर ये है कि अब्दुल सत्तार ने दावा किया है कि जल्द ही 8 से 10 और विधायक भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। आपको बता दें कि इसी साल अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में कांग्रेस नेताओं का पार्टी से दूर हो जाना कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।